भाइयों और बहनों, वामपंथी और कांग्रेस अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, इनकी ये कांग्रेस और लेफ्ट केरल में क्या कर रहे हैं, कल ही आपने देखा होगा, मारधाड़ कर दी उन्होंने दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ। केरल में कांग्रेस और वामपंथ के बीच में कुश्ती चल रही है, लड़ाई चल रही है, और त्रिपुरा में दोस्ती कर रहे हैं। केरल में कुश्ती, त्रिपुरा में दोस्ती, लेकिन नेताओं की ये दोस्ती क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच भी हो सकती है क्या? कांग्रेस के वो कार्यकर्ता, कांग्रेस को वो पुराने वोटर जिनको दशकों तक लेफ्ट वालों ने प्रताड़ित किया, तंग किया, चोट पहुंचाई, उनके जवान बेटों को मार दिया, क्या हमारे ये लोग लेफ्ट के इन करतूतों को भूल जाएंगे क्या? ये नेता लोग सत्ता भूख में उन पर हुए अत्याचारों को भुला करके राजनीतिक स्वार्थ के लिए निकल पड़े हैं, क्या त्रिपुरा की जनता ऐसे लोगों को माफ करेगी? एक झंडा लगाने तक के लिए जिनके अपनों का खून बहाया गया, क्या वो पुरानी बातें भूल जाएंगे? वो भी सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को सत्ता की भूख है, उन्हें अपनी तिजोरी भरनी है, इनके लिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटरों की भावना बिल्कुल मायने नहीं रखती। त्रिपुरा के लोगों को लेफ्ट और कांग्रेस के ऐसे स्वार्थी गठबंधन से बच करके रहना है। साथियों, भाजपा त्रिपुरा की सुरक्षा और विकास की गारंटी है। भाजपा विकास में भेदभाव नहीं करती है। भाजपा झंडे के आधार पर सरकारी लाभ में भेदभाव नहीं करती, क्योंकि भाजपा बदले की नहीं बदलाव की राजनीति करती है, जनहित और राष्ट्रहित की राजनीति करती है। इसलिए पिछली बार की तुलना में इस बार भाजपा ज्यादा वोटों के साथ वापसी कर रही है, आपके आशीर्वाद से कर रही है, और मैं आपको वादा करता हूं, एक एक वादा पूरा करूंगा। हर क्षेत्र, हर वर्ग में अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को मिल रहा है। मैं त्रिपुरा के हर भाई बहन को ये भरोसा देने आया हूं कि भाजपा के रहते आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भाजपा सरकार में आपके बच्चों के भविष्य कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। जब जनता के हित की बात होती है, भाजपा कड़े और बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। इसलिए आपको मैं फिर एक बार आग्रह करता हूं कि 16 फरवरी को भाजपा को और हमारे सहयोगी साथियों को सुबह से ही मतदान के लिए निकल पड़िए, भारी मतदान करिए।